वेबसाइट से कर सकते हैं और इसकी नोटिफिकेशन भी वेबसाइट से देख सकते हैं जो कि है www.bpsc.bihar.nic.in। यहाँ पर जाकर के आप अपना ये नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और वहाँ जाकर अप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अब हम इसको बताते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। अनारक्षित जो कि इसमें 16 वैकेंसी है और इसमें महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षित हैं उसमें 6 वैकेंसी हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS वर्ग के लोग हैं उसमें 4 वैकेंसी है और महिलाओं के लिए 1। अनुसूचित जाति जिसमें 6 वैकेंसी है और महिलाओं के लिए 2। अनुसूचित जनजाति 1 वैकेंसी है और उसमें महिलाओं के लिए वैकेंसी नहीं रखी गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसमें 7 वैकेंसी है और महिलाओं के लिए 2। पिछड़ा वर्ग इसमें 5 वैकेंसी है और महिलाओं के लिए 2। पिछड़े वर्ग की महिलाएं 1। सैनिक अभियंत्रण में PhD डिग्री तथा असैनिक अभियंत्रण में स्नातक तथा विश्वनाथ पद पर प्रथम श्रेणी या समकक्ष डिग्री। शिक्षण शोध उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव, इसमें से न्यूनतम 3 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर अथवा समकक्ष पद पर होना होना चाहिए। मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक्निकल रिसर्च इंडस्ट्री आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 ईयर शैल बी एट अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ एन एसोसिएटेड प्रोफेसर, या फिर इसके अलावा 10 वर्षों के अंतर्गत शेष 7 वर्षों का शिक्षण शुल्क है। वेतनमान इसकी वेतनमान है 144,200 रुपये जो कि बेस्ट लेवल है, जो कि विषय में डिस्टेंस मोड या ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। और इसकी दूसरी जो खास बात है यह है पूर्व से सेवा एवं अनुभव के लिए अखिल भारतीय शिक्षा परिषद विभाग 2019 की खंडिका 2.25 के निर्धारित प्रावधान में शर्तें एवं शर्तें लागू होंगे। इसकी चयन प्रक्रिया होगी, इसमें हम बात करते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया होगी 100 मार्क का टोटल वेटेज होगा। इसमें मैक्सिमम 10% ऑफ मार्क ऑब्टेन इन एमटेक या एमई या एमएस इन रिलेवेंट ब्रांच, और इसमें 5% या 5 मार्क परसेंट ऑब्टेन इन बीटेक बीएस या बीएससी इंजीनियरिंग और पीएचडी के लिए 5% मार्क होंगे। अब एकेडमिक निष्पादन अनुसंधान निर्माण कार्यक्षेत्र होता है, इसमें एकेडमिक रिसर्च कर लेते हैं। शोध प्रकाशन वेटेज जो शोध प्रकाशन के लिए उसका वेटेज मैक्सिमम होगा 20। रिसर्च पब्लिकेशन वेटेज 20। संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण वेटेज 10। सेमिनार प्रेजेंटेशन वेटेज 10। सिनॉप्सिस रिसर्च प्रोजेक्ट परियोजना वेटेज 10। रिसर्च गाइडेंस एमफिल एमई एमटेक वेटेज 10। पीएचडी गाइडेंस 10। पीएचडी गाइडेंस वेटेज मैक्सिमम 10। ये सब है सिलेक्शन का प्रोसेस है। आगे बात करते हैं साक्षरता में उपस्थित होने के लिए सभी विद्यार्थी को साक्षात्कार के समय नियमित प्रमाण पत्र मूल के ओरिजिनल कॉपी का सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए, स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र, विज्ञापन खंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप, स्नातकोत्तर तथा का प्रमाण पत्र, विज्ञापन की खंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप। ये सब सारे आप देख लीजिए। इसके रिगार्डिंग जो फाइनल इंटरव्यू होगा सिलेक्शन प्रोसेस में सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके शुल्क की बात कर लेते हैं। सामान्य अभ्यर्थी के लिए 100 रुपये लगेंगे। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 25 रुपये लगेंगे। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 25 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थी 40% या उससे अधिक के लिए 25 रुपये, अन्य उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये लगेंगे। ये है फी डिटेल। अब ऑनलाइन आवेदन भरने की संबंधित तिथि है उसके लिए अब कैसे भरते हैं वो देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन व्यक्ति पंजीकरण की तिथि जो कि है 4/9/2020 से लेकर 21/9/2020 तक। ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान शुरू करने की अंतिम तिथि 25/9/2020 तक। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5/10/2020 तक। अब इसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। नोट वन, इसमें हम मेन बात ध्यान देने लायक ये है कि जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवेदक की लिंक उपलब्ध होगा। जिस तिथि को भुगतान किया गया उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी 25/9/2020 तक निश्चित रूप से भुगतान कर लें।